हेलो राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर रख दिया है ओम को गुस्सा, वैसे खा लिया था ओम ने और गौरी ने। और ये बंधी हुई है गौरी, आज बांधी है मैंने। ये देखिए, इसने भूसा भी खा लिया है। और यहाँ पर बैठी हुई है संतोषी, देखिए आराम से बैठ गया और बैठ कर खा रहा है। और गौरी आराम से बैठी हुई है, खा लिया है गौरी ने भूसा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ मंदिर और घर की पूजा हो गई है, बस मंदिर जाना है। इसके बाद मंदिर जाने के बाद खाना। और आज मैंने रेड साड़ी पहनी हुई है, देखिए वगैरह कुछ नहीं किया। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक गौरी नहीं आई है, गौरी को ही देख रही हूँ मैं। सारा काम हो गया, बहुत टाइम हो गया, शाम होने वाली है, आने वाली है गौरी। और मैं अंदर आ गई हूँ, मैंने कहा गौरी देखने गई थी, लेकिन गौरी अभी दिख ही नहीं रही है। मैंने कहा चलो अंदर थोड़ा सा काम कर लो, अभी काम थोड़ा बेड मैट सही करना है, तो इसीलिए मैं अंदर आ गई हूँ। मगर देखती रहूँगी, क्योंकि लोग बाग गेट गेट खोल कर चले जाते हैं और गेट नहीं लगाते, इसलिए मैंने कहा पहले गेट भी देखती रहूँगी। क्योंकि कल गौरी ने पूरा दूध पिला दिया था उनको, और फिर उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी इस वजह से। तो आज मुझे ज़रूर देखना होगा कि यहाँ आज भी गोम सारा दूध ना पी ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस उसी को ही देख रही थी मैं, क्योंकि किससे कहें, सारे लोग ऐसे ही हैं, गेट खोल कर उस निकल जाते हैं। अभी भी गेट खुले पड़े हुए हैं, आते हैं आवाराओं की तरह और गेट खोल कर निकल जाते हैं। गेट हम लगाएं तो लग जाती है, नहीं तो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, दिक्कत ये है। और आज का मौसम थोड़ा खराब भी हो गया है, खराब किया वो तो ऐसे ही होता रहता है, बूंदाबांदी होती रहती है, ना ढंग की बारिश होती है ना ही बंद होती है। तो इसमें क्या होता है, ना कोई काम कर पाते हैं ना कहीं जा पाते हैं, बस ये हो रहा है। या तेज बारिश हो जाए या फिर रुक जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं, या तो बूंदाबांदी होगी, दिन भर यही चलता रहता है, और पानी भी नहीं गिर रहा तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए पहले पंखा चला लूँ, पंखा बंद है तो बहुत ज़्यादा लगती है। बस मैं अभी सोच रही थी चाय बना लूँ, लेकिन मैंने कहा पहले गौरी को देख लूँ। अगर चाय बनाने के लिए मैं पीछे चली गई सामान लेने के लिए, और इतने में गौरी आ गई, तो आज फिर पी जाएगा ओम, और आज बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओम की तबीयत ख़राब। कल भी पी लिया उसने दूध पूरा, तो उसको क्योंकि अभी छोटा है, इतना दूध पी लेता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी। इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि गौरी आ जाए, पहले दूध निकाल लूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी, क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 5:30, और अभी तक नहीं आई है गौरी। वैसे दिन में आ जाती है 12:30 बजे, और आज देख लीजिए अभी 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है गौरी, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आ रही है नहीं आ रही है। कल यही हुआ, कल दिन भर मैं देखती रही गौरी आएगी, और 3:30-4 बजे जैसे ही मैंने कहा थोड़ा सा लेट जाऊँ मैं, और लेटी भी नहीं थी, टीवी देख रही थी, कि ऐसा नहीं कि मैं आँख बंद करके सो गई हूँ, मतलब मैंने कहा चलो थोड़ी सी टीवी देख लूँ, सब अच्छे थे नहीं कोई भी अपने काम से, तो मैंने कहा चलो। इतने में पता चला गौरी आ गई है और वो सारा दूध पिला के चली गई। तो दूध नीचे देखा मैंने, मैंने कहा था, और फिर इसके बाद कुछ ही देर बाद ओम की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि जब भी ओम दूध पी लेता है ना, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ओम पर। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी एक बार और गौरी को देख लेती हूँ, और याद रखूँगी, ध्यान में रखूँगी कि कोई गेट तो नहीं खोल रहा है। पता नहीं चलता कब गेट खोल कर चले जाते हैं, आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है। और आज तो संडे है, तो बेटा बहुत तेज टीवी भी चला रहा है, अभी स्लो करवा कर आई हूँ इसी वजह से। चलिए फ्रेंड, थोड़ा काम कर लूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, गौरी भी आ गई है और गुड़ी परमा भी, दोनों गाय खड़ी हुई हैं। गुड़ी परमा जा रही है, और गौरी तो अब जाएगी नहीं, क्योंकि उसको अपने बेटे की याद आ रही है,
तो इसीलिए आज बहुत टाइम हो गया तब आई है। तो ये देखिए गौरी का समझ ही नहीं आता क्या है, कैसा मूड है। कभी तो दिन भर घूमती रहेगी और कभी दिन भर गायब हो जाएगी। तो ये देखिए अब आ गई है अपने बेटे के पास, और बेटा तो इंतज़ार कर ही रहा था माँ का। आपने भी आवाज़ सुनी होगी, इतना आवाज़ लगाता है जैसे गौरी का टाइम हुआ नहीं आई तो समझ लो फिर इसके बाद ओम शुरू हो जाता है अपनी माँ को बुलाना। और बस अब ओम पी रहा है अपनी माँ का दूध, और इसके बाद मैं ओम को बांध दूंगी। और ये देखिए एक दिन में ही हालत कैसी हो गई है ओम की, तो इसीलिए मैं इसको भूसा ज़्यादा रख देती हूँ कि दूध उतना ही पिलाती हूँ जितना ये अपने शरीर में पचा सकता है। ज़्यादा पी लेता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है ओम को। और तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। तो चलिए ओम ने भी दूध पी लिया है तो अब ओम को मैं बांध दूंगी। और गौरी हो गई है अपनी साइड से तो अब मैं लगाऊंगी गौरी का दूध। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए।
हट